का मैच रिजर्व डे में शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने 47 ओवर की दूसरी गेंद से अपनी पारी की शुरुआत की। न्यूजीलैंड की तरफ से शुरुआत लैथम और रोस टेलर ने की, लेकिन इसी दौरान भारतीय गेंदबाज आक्रामक दिखाई दिए। जब बुमराह अपना ओवर फेंकने के लिए आए तो टेलर और लैथम उनके ओवर में सिंगल और डबल लेते रहे, लेकिन 48वें ओवर की छठी गेंद पर टेलर और लैथम डबल लेने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बॉल सीधा जडेजा के हाथ में चली गई। फिर क्या था, जडेजा ने डायरेक्ट हिट मारा और टेलर पवेलियन लौट गए। टेलर ने अपनी पारी में 74 रन बनाए। फिर 49वां ओवर भुवनेश्वर डालने के लिए आए तो लैथम उनकी गेंद को समझ नहीं पाए। फिर क्या था, बाउंड्री पर खड़े थे जडेजा और उन्होंने एक शानदार कैच लपक लिया और लैथम को चलता कर दिया। ऐसे भारतीय गेंदबाजों ने टेलर और लैथम को चलता किया। अब देखना होगा न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने कितना स्कोर रखती है। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।